आज हम छत्तीसगढ़ी व्यंजन ठेठरी बनाने वाले हैं। यह छत्तीसगढ़ में त्योहारों में विशेष रूप से बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए हमने एक बर्तन लिया है, उसमें हमने स्वादानुसार नमक और जीरा ऐड किया है थोड़ा सा। अब उसके बाद हम 2 कटोरी बेसन डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे हम गूथेंगे। इसमें इसे बहुत ही कम पानी में गूथा जाता है। इसका डो बहुत ही सख्त होगा, इसे कम पानी में ही गूथना है तो यह बहुत अच्छा बनेगा। यह डो बनके तैयार है। अब इसे हम इसके लिए हमने बेलन लिया है, बेलन चौकी। अब इसे हम छोटे छोटे इसकी लोइयां बना लेंगे और हाथों में थोड़ा सा तेल लगा लेंगे हल्का सा, और एक एक लोई लेके इसे हम ठेठरी का आकार देंगे। देखिए, इसे हाथों की सहायता से ऐसे बनाना है। यह छत्तीसगढ़ में 30 त्योहारों में बनाया जाता है ठेठरी। ऐसे ही हम सबको बना लेंगे इसी आकार में। अब यह बन चुका है, अब इसे हम तलेंगे। इसे हमें लाल होते तक के इसे तलना है। इसे हमें अच्छे तरीके से तलना है तो यह ज़्यादा दिन तक हम इसे स्टोर भी कर सकते हैं, इसलिए इसका अच्छे से सिकाया होना ज़रूरी है। देखिए, ऐसे ही आप ही इसे बनाइएगा। आपको यह रेसिपी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।